नमस्कार, एमपीसीजी 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिंगरौली द्वारा विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा, त्वरित कार्यवाही की मांग, संजय नामदेव। बैडन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा आज दिनांक 6 अक्टूबर 2020 को पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन कर देश में बढ़ती महिला हिंसा पर रोक लगाने व आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करने व पीड़ित परिवार की सुरक्षा की अति आवश्यकता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय राजीव चौक माजन मोड़ से जिला कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी व विरोध प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम जिला कलेक्टर प्रतिनिधि संयुक्त कलेक्टर बीपी पांडे को 5 सूत्री मांग पत्र सौंप कर त्वरित कार्यवाही की मांग की है, जिसमें मांग पत्र इस प्रकार है। जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशें लागू की जाए। बलात्कार के सभी मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष न्यायिक चलाया जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। रिपोर्ट लिखने में देरी करने और पीड़ितों को परेशान करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित हो। महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। वर्षों से एक ही थाने में पदस्थ पुलिसकर्मी एवं पुलिस अधिकारियों को तत्काल स्थानांतरण किया जाए। ज्ञापन सौंपने में मुख्य रूप से उपस्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद सदस्य कामरेड संजय नामदेव, कामरेड रामलल्लू गुप्ता, कामरेड अरुण सिंह, कामरेड भगवान आश्रय नामदेव, अरुण देव पांडे, अरविंद शाह, राम रसीले नापित, राम प्रताप बैस, आनंद शाह, विनोद नामदेव, संजय शर्मा, रमेश रामबली, देवसर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी शिवकली साकेत, सुनैना शर्मा, मीना देवी, अर्चना गुप्ता, सुनीता दुबे, अनीता, लीलावती साह, गीता कुमारी, मंजू देवी सहित भारी संख्या में महिलाएं पुरुष मौजूद रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ, अपना नाम बताइए पहले। सुनैना शर्मा। ये बोलना चाहती, पहले था कि महिलाओं को सम्मान मिलती थी, आज के क्या हो गया? कैसे कैसे क्या मतलब, किस कारण से, किस मसला से आज के डेट में महिलाओं कोई सम्मान नहीं है, बेटी को कोई सम्मान नहीं है। पहले के कहते थे सब कोई बड़े बड़े अधिकारी कि हाँ महिलाओं को सम्मान दो सम्मान दो, आज के तो कुछ सम्मान नहीं मिल रहा है। ये अगर हालत रह जाएगी तो कोई बेटी नहीं बचेगी, या कोई क्या कहते हैं कि कोई महिलाएं नहीं बचेगी। आज हमारे ऊपर है, कल आपके ऊपर भी हो सकती है, समझ रहे हैं? सिंगरौली की ये मसला हो गई कि मतलब समझ में नहीं आ रही कि महिला नहीं पूछ रही है, एक दो महिलाओं की मतलब यही बलात्कारी होते जा रही है, किस कारण से, किस मसला से, इसके लिए आप लोग व्यवस्था किया? अभी आप ये लोग आए हैं तो किस क्या मामला है? ये महिलाओं को बलात्कारी हुआ ही है। कहाँ? महिलाओं के साथ। जयंत कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, उसके उसको न्याय दिलाने के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए? जी जी, ये महिलाओं के साथ ये बलात्कारी होना बंद कीजिए आप। मैं लोग यही चाहती हूँ, यहाँ भी वही हाल चल रहे हैं। मैं लोग यही चाहती हूँ कि इसके 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 लिए सुरक्षा किया जाए, इस पर हम लोग कार्रवाई आप लोग कीजिए, नहीं अभी हम लोग कलेक्टर धरना भी धरेंगे।